पिछले 22 सालों से जिस मंदिर का भवन विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी की भव्यता में बाधा बना हुआ था, वो अधूरा मंदिर बनकर अब तैयार हो रहा है। राजा मानसिंह की छत्री के नाम से प्रसिद्ध हरिद्वार के ब्रह्म कुंड के बीचों बीच स्थित ये मंदिर अब अपने नए स्वरूप में आ रहा है। मानसिंह की छत्री मंदिर के सौंदर्यकरण और निर्माण का काम इन दिनों जारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि जब श्रद्धालु कुंभ के दौरान हर की पैड़ी पर डुबकी लगाएंगे तो ये मंदिर अपने भव्य स्वरूप में आकर हर की पैड़ी की सुंदरता में और चार चांद लगाएगा। दरअसल विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी पर 22 सालों से अधूरा पड़ा ये मंदिर शुरू से ही विवादों में घिरा रहा है। जहां हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित इसे राजा मानसिंह की छत्री के नाम से पुकारते हैं, वहीं मंदिर के प्रबंधक और पुजारी इसे प्राचीन गंगा मंदिर मानते हैं। 1998 के कुंभ मेले से इससे पहले अक्टूबर 2097 में इस मंदिर के मुख्य पुजारी बुधकर परिवार ने गंगा बंदी के समय मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया था। इस दौरान मंदिर के प्रबंधन और हर की पैड़ी की प्रबंधकारिणी संस्था श्री गंगा सभा के बीच निर्माण को लेकर कुछ विवाद हो गया, जिसके बाद मामला न्यायालय में चला गया था। करीब 22 सालों की जद्दोजहद के बाद अब दोनों पक्षों में सुलह हो गई है और मंदिर का निर्माण और सौंदर्यकरण किया जा रहा है। गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ बताते हैं कि इस मंदिर का कार्य अब अंतिम चरण में है। अब इस मंदिर में फिनिशिंग का कार्य चल रहा है, जिसमें 1 से 2 महीने लगेंगे। इस मंदिर के बन जाने से हर की पैड़ी की सुंदरता में और 4 चांद लग जाएंगे और निश्चित रूप से इस मंदिर का जो एक तरह से अपने पुराने रूप में आने का जो कार्य है वो हमारे सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हर की पौड़ी के चारों ओर पुनरुद्धार और सौंदर्यकरण के कार्य चल रहे हैं, जो कि माननीय निशंक जी के प्रयास से जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का CSR फंड हमें मिला था उसके अंतर्गत वो सभी कार्य चल रहे हैं। और उन सब कार्यों के साथ साथ अगर ये मंदिर अपने पुराने रूप में ना लौटता तो कहीं ना कहीं एक जो भव्यता और दिव्यता है उसमें निश्चित रूप से कमी रहती, और गंगा जी के बीच में ये मंदिर अगर इसका सौंदर्यकरण ना होता तो कहीं ना कहीं हम सभी के जो प्रयास है वो अधूरी रह जाते। लेकिन इस मंदिर के सौंदर्यकरण ने भी सोने पे सुहागे वाला एक कार्य किया है, और निश्चित रूप से चारों ओर हो रहे सौंदर्यकरण के कार्यों के साथ साथ इस मंदिर का जो ये सौंदर्यकरणकार पुराने अपने दिव्य और भव्य रूप में लौटने का जो कार्य किया हुआ है, इससे आने वाले 2-3 माह के अंदर अंदर ही, मैं कहूँगा बल्कि 2 माह के अंदर अंदर ही, हमारी हर की पौड़ी अपनी पौराणिकता दिव्यता के साथ साथ जो सुंदरता और भव्यता में है शायद हिंदुस्तान के सबसे भव्य और सबसे सुंदर 30 स्थलों में से एक। वहीं कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत का कहना है कि इस मंदिर का निर्माण इंटेक्ट के द्वारा कराया जा रहा है, जो कि इस तरह के कार्यों में काफी एक्सपर्ट मानी जाती है। हमारे द्वारा समय समय पर मंदिर की मॉनिटरिंग भी की जा रही है और कुंभ से पहले इस मंदिर को बनाने के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। कि जो काम है मंदिर का, जिसको आप मानसिंह की छतरी कह रहे हैं, इसमें ये प्राइमरीली रेस्टोरेशन का काम है और ये इंटैक्ट के माध्यम से कराया जा रहा है, जो कि इस तरह के रेस्टोरेशन के मैटर्स में एक तरह से एक्सपर्ट संस्था है। और उसमें यहाँ पे इनका फोर्स भी है, इनके लोग भी हैं, इसमें हमारी जो मॉनिटरिंग कमेटी थी CBRI की और IIT के इसमें प्रोफेसर्स थे, और इसके अलावा ASI के भी इसमें मेंबर्स थे। उन्होंने एक रिकमेंडेशन दी थी जिसके आधार पर ये रेस्टोरेशन हो रहा है। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि कुंभ के जब स्नान होंगे तो उससे पहले सर्टेनली जो हर की पैड़ी में लगता था कि एक थोड़ा सा एक अगली सा दिखता था सुंदर, वो इस बार नहीं देखने को मिलेगा और बहुत सुंदर मंदिर आपको नजर आएगा। कुंभ में ये मंदिर हर की पौड़ी की सुंदरता को और 4 चांद लगाने का कार्य करेगा। मुकेश कुमार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, हरिद्वार।